वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वापस से बहुत टाइम बाद ब्लॉग आ रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, वीडियोस नहीं आ रहे इंस्टाग्राम पे। तो रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, अभी गांव जाने की तैयारी चल रही है। सुमित्रा को उसके ससुराल से लाना है, तो उसके ससुराल जा रहा हूँ, तो आप लोगों को बताऊँगा। और ट्रेन तो आपको पता ही है, सूर्य नगरी अपनी जो मारवाड़ी की डेली की फिक्स है, मतलब स्पेशल। दूसरी ट्रेन हम लेते नहीं है सूर्य नगरी के अलावा, तो ट्रेन ले गए अभी। ट्रेन लिए मतलब ट्रेन खरीदी नहीं यार, सीट खरीदी है खाली। वो भी मेरी सीट नहीं है, बड़े पापा की सीट कंफर्म थी, मेरी तो वेटिंग थी, तो उनके साथ आ गया हूँ। देखते अभी आपको बता, तो आगे का सफ़र बहुत बड़ा है धीरे धीरे, और भी बहुत सारे प्लान्स है, सरप्राइज है। चलते हैं सुमित्रा के ससुराल, घूमते हैं, देखते हैं क्या है। शादी भी है वहाँ पर एक, वो भी अटेंड करते हैं, और उसके बाद में हम देखते अपना क्या प्लान है अलग से अलग। मुझे तो लग नहीं रही इतनी ठंड, मतलब सोच रहा हूँ कि ठंड लग नहीं रही तो जैकेट क्यों पहना है। जैकेट तो इसलिए पहना है, बीमार पड़ना नहीं है, ठीक है, बट इतना ठंड नहीं है। क्राउड बहुत था, देख सकते हो। अभी पब्लिक कम हुई है, मतलब कैसे ना, किसी ने मतलब 200-300 लोगों ने ना ट्रिप बुक किया था आबू रोड के लिए, तो लोग उतर चुके हैं। बाकी का क्या है कैसे मैं बता, तो आपको नीचे उतर के, क्योंकि हमें मोस्टली साउंड आ रहा है हमारे कट 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 करके। जब आप उतरेंगे फालना पे तब मैं आपको बताऊंगा क्या है व्यू आगे का। सोती है, उठ जा, मैं जा रहा हूँ, चल बाय। तो बोल बाय बाय, आराम से जाना पाली मारवाड़, चल फिर। तो फाइनली फालना आ चुका हूँ अभी। फालना मतलब फर्स्ट टाइम मेरा फालना में आया हूँ, मतलब मैं वैसे तो पाली मारवाड़ या फिर जालौर उतरता हूँ। फालना मतलब अभी सुमी का जो ससुराल है वो सोमेश्वर है, सोमेश्वर से नज़दीक पड़ता है। तो अभी इसके पीछे एक दूसरी ट्रेन आएगी, वो ट्रेन में पकड़ने वाला हूँ यहाँ से। वो ट्रेन पकड़ के फिर मैं सोमेश्वर जाऊँगा, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे सुमी के ससुराल वंदार्तों में। अभी वेट कर रहा हूँ, कुछ लोग और आने वाले पीछे वाली ट्रेन में, तो वाली ट्रेन पकड़ेंगे हम लोग। ये वाली ट्रेन में तो क्राउड था थोड़ा। सो अभी हम बोलते हैं टाटा बाय बाय इस ट्रेन को। ये ट्रेन अभी निकल चुकी है यहाँ से पाली मारवाड़ जोधपुर के लिए। अब हमें वेट है हमारी ट्रेन का, जो देखते हैं अब कब आएगी, जो हमें पहुंचाएगी आगे। बस ये ठंडी सी हवा, इतनी ठंडा मौसम राजस्थान का, और मैं इतने ठंड में, इतनी ठंड में ट्रेन का वेट करते हुए, जहां ये मेरी ट्रेन सूर्य नगरी जा रही है, और मैं पीछे दादर बीकानेर ट्रेन के आने का वेट कर रहा हूँ कब से। फाइनली 1.5 घंटा वेट किया मैंने, तब जाके ट्रेन आ गई। देख सकते हो ट्रेन की हेडलाइट्स। अब यहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा सीधा सोमेश्वर। अब वेट नहीं होता इतनी ठंड में, इतनी ठंड है ना, 1.5 घंटे से वैसे कुत्ते मेरा साथ दे रहे थे यहाँ पर, अकेले कोई नहीं था, पूरा सुनसान था, ये पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा था। ठंड तो बहुत है, बट बिलीव हो गया मुझे, स्टार्टिंग में लग नहीं था इतनी ठंडी है, बट जब यहाँ 1.5 घंटा बैठा, जो बॉडी कड़कड़ाई कर, मतलब हालत इतनी बेकार हो चुकी थी ना, पूछो मत। ट्रेन आई, क्या सुकून मिला ना, मतलब 1.5 घंटा वेट करने के बाद। मैं पहुंच चुका हूँ सुमित्रा के ससुराल में, मुक्ता परिवार सब, शादी की तैयारी चल रही है, शादी वाला घर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो गया था, अभी उठा हूँ, जस्ट नहा वहा के मतलब रेडी हो चुका हूँ, ड्रेसिंग व्रेसिंग कर लिए चेंज। अभी सुमी के ससुराल में ही हूँ, उसके घर पे सुबह आए थे हम लोग, मतलब 4 बजे, फिर नहा वहा के रेडी हो गया। अभी यहाँ अभी आपको यहाँ पर हेलो गाइस, अभी मुझे धोने हैं इतने सारे कपड़े, तो मैं आपसे मिलूंगी बाद में, हमारी रील्स आएगी न्यू, वो भी देखना आप लोग। हाय क्रिस, मिल चुके हो इससे? हाय, मिल लिए इससे, इसको ही देखना था कब से, वेट हो गया। अभी सपोर्ट करना, और भी ब्लॉग्स आते रहेंगे, ये तो सिर्फ एक झलक है। आया हूँ मैं यहाँ पर, आज इनका सब प्रोग्राम होने वाला है, बड़ी वंदोलियन इवेंट है सब शादी के, तो सब मैं आपको बताऊंगा, वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। तब तक ये वाला ब्लॉग देखो, लाइक करो, शेयर करो,
और क्या करो चैनल को, सब्सक्राइब करो चैनल को, जाओ जल्दी से। सो मिलते हैं आपको अभी नेक्स्ट ब्लॉग में कल।